दोस्तों हाल ही में मोदी सरकार ने मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, जिसमें पहले से चली आ रही कैंटोनमेंट्स को भी अब मिलिट्री स्टेशंस में बदल दिया जाएगा। आखिर इस फैसले का क्या मतलब है, कैंटोनमेंट और मिलिट्री स्टेशन में क्या फर्क होता है और ये फैसला क्यों लेना पड़ा, आज ये सभी कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कैंटोनमेंट एरियाज होते क्या है। इनकी डेफिनेशन पर जाएं तो ये वो एरियाज होते हैं जहां मिलिट्री के लोग रहते हैं। यहां पर ऑफिसर्स के घर भी होते हैं, उनके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस से लेकर हॉस्पिटल्स तक भी व्यवस्था की जाती है। भारत में सबसे पहली कैंटोनमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सेटअप की थी और उसके बाद जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते रहे वो अपनी सेना की टुकड़ियों के लिए इस तरह की कैंटोनमेंट्स बनाते चले गए। सबसे पहले तो एक कैंटोनमेंट शहरों से दूर खाली जमीन पर बनाई जाती थी, लेकिन क्योंकि सिपाहियों की भी अपनी जरूरतें हैं इसलिए वहां पर फिर दुकानें खुलनी शुरू हो गई। बिजनेस बढ़ा तो फिर उसके आसपास लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया और आजादी के बाद से अब तक ये कैंटोनमेंट्स इस तरह से शहरों से घिर गई हैं कि इनमें फर्क करना मुश्किल है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हुई थी, वो ये थी कैंटोनमेंट बोर्ड्स। इन कैंटोनमेंट एरियाज को मैनेज करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनाए जाते हैं जो कि आर्म फोर्सेस या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी के अंडर नहीं होते हैं। इन्हें कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1889 के तहत गठित किया जाता है और इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस भी है। कॉन्स्टिट्यूशन पर कैंटोनमेंट बोर्ड को एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी पावर देता है, पर इस बोर्ड को रन कौन करता है? 2006 में यूपीए सरकार ने कैंटोनमेंट एक्ट को अमेंड कर दिया था, जिसके बाद इस बोर्ड में 8 इलेक्टेड मेंबर्स के लिए किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। इसमें 8 सदस्य इलेक्टेड होते हैं और बाकी नॉमिनेटेड। लेकिन यूपीए के रिफॉर्म के बाद अब इन इलेक्टेड सीट्स पर पार्टिसिपेशन बढ़ गया है और फिर यहाँ पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स लेकर भी आ गए हैं। अब अगर ये सब भी ना होता तब भी एक दूसरी परेशानी ये है कि इस कैंटोनमेंट बोर्ड का प्रेसिडेंट मिलिट्री कमांडर होता है, जिसे जज की तरह कोर्ट लगानी पड़ती है ताकि वो कैंटोनमेंट बोर्ड और सिविलियंस के बीच के मामले पर फैसला सुना सके। अगर इस फैसले पर भी बात रुक जाती तो ठीक था, लेकिन जिस भी पार्टी को अपने हक में फैसला नहीं मिलता है वो केस को लेकर हाईकोर्ट चले जाते हैं। इसलिए मिलिट्री कमांडर का जज की तरह एक्ट करना समय की बर्बादी है और आर्मी का भी सालों से यही कहना था, जिस वजह से इस नए फैसले का बहुत स्वागत किया जा रहा है क्योंकि इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स को ही अबॉलिश कर दिया गया है। कैंटोनमेंट्स की जगह अब इन सभी जगहों को मिलिट्री स्टेशंस का दर्जा दे दिया गया है। मिलिट्री स्टेशंस में आर्मी के पास ज्यादा कंट्रोल होता है क्योंकि वो सिविलियन आवाजाही को पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं और उन्हें पर सिविलियन मैटर्स में इंटरफेयर भी नहीं करना पड़ता। आजकल कैंटोनमेंट्स का काम बहुत ही अलग हो गया है। अगर हम हिमाचल की योल कैंटोनमेंट को देखें तो उसे पहले विश्व युद्ध के जर्मन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था और जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया था तो वहाँ तिब्बतियंस को रिफ्यूजी देने के लिए भी। अब योल भारतीय सेना की 9th कॉर्प्स का हेडक्वार्टर भी है। ऐसे ही बहुत सारी कैंटोनमेंट्स भारत में है दोस्तों और यही वजह है कि भारत के आजाद होने के बाद से अब तक देश में सिर्फ एक नई कैंटोनमेंट बनी है जो अजमेर में है। आजादी के बाद जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनाए गए हैं उन्हें मिलिट्री स्टेशंस कहा गया है, जैसे कि जयपुर जहां पर साउथ वेस्ट कमांड का हेडक्वार्टर है या फिर चंडीगढ़ जो वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। कई लोगों के मन में तो ये सवाल भी है कि कहीं इस कैंटोनमेंट सिस्टम को अबॉलिश करने से मिलिट्री के काम पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उन्हें बता दें कि मिलिट्री में भी स्टेशंस को ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है और ये आपको ज्यादा कंट्रोल भी देते हैं। अगर इस वक्त मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को स्टेशंस में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ी परेशानी आएगी तो वो ये आएगी कि अब जिस जमीन पर सिविलियन बिल्डिंग्स बन गई हैं उन्हें कैसे अलग किया जाएगा, जिसके साथ साथ ये कैंटोनमेंट्स अब शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हिस्सा बन गए हैं। कई जगहों पर तो शहर की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इन्हीं एरिया से गुजरना पड़ता है। जब निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री थी तब 2018 में उन्होंने नॉर्मल ट्रैफिक को कैंटोनमेंट्स के थ्रू गुजरने को अलाउ कर दिया था। कैंटोनमेंट्स के बारे में भी कुछ भी राय बनाने से पहले दोस्तों हमें एक बार ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अभी भारत में इसकी स्थिति क्या है। इस वक्त भारत में टोटल 62 कैंटोनमेंट्स हैं और 5 कमांड्स हैं। नॉर्दर्न कमांड जो कि पहाड़ी इलाकों में हमारे लिए एक्टिव रहता है और पाकिस्तान से चीन तक के बॉर्डर को कवर करता है और उसके पास सिर्फ एक कैंटोनमेंट है जो कि श्रीनगर की बादामी बाग कैंट है। इसके बाद शायद भारत की सबसे बड़ी कमांड वेस्टर्न कमांड जो दोनों तरफ के बॉर्डर्स को सिक्योर करती है, उसके पास 13 कैंटोनमेंट्स हैं जिसमें से 7 तो वो हिल स्टेशंस हैं जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स गर्मियों में जाया करते थे और यहां पर ट्रेनिंग वगैरह की जाती थी। इस समय अगर वेस्टर्न कमांड के अंडर सीरियस कैंटोनमेंट्स की बात करें तो वो अंबाला, अमृतसर और जम्मू में है और हिल स्टेशंस में आपको डलहौजी, कसौली, योल जैसे कैंटोनमेंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद ईस्टर्न कमांड है जिनके पास 4 कैंटोनमेंट्स हैं जिसमें से 1 शिलांग है, लेकिन दूसरे नंबर पर
पास सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट्स साउथ कमांड के पास हैं। जी हाँ, ये बात काफी लोगों को हैरान कर देती है दोस्तों कि आखिर जब बाकी कमांड ज्यादा एक्टिव हैं तो उन्हें कम कैंटोनमेंट्स क्यों मिली है। साउथर्न कमांड के पास इस वक्त 19 कैंटोनमेंट्स हैं, जिसमें से बेलगाम है जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, फिर आर्टिलरी के लिए देवलाली कैंटोनमेंट है, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए अहमदनगर है और पुणे एक कमांड हेडक्वार्टर्स है। लेकिन साउदर्न कमांड से भी ज्यादा कैंटोनमेंट्स सेंट्रल कमांड के पास हैं, जिनके अंडर 25 कैंटोनमेंट्स हैं। ये मेरठ, मथुरा, लखनऊ, बरेली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और देहरादून जैसी कैंटोनमेंट्स हैं। लेकिन अब आपको शायद ये दिखने लगा होगा दोस्तों कि इन कैंटोनमेंट्स की लोकेशन आज की प्रैक्टिकल रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ये इसलिए भी है क्योंकि ये कैंटोनमेंट्स अंग्रेजों ने इसलिए बनाए थे ताकि वो भारत के अंदर अपना राज जमा सके। 1857 के समय जब बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों से क्रांति उठी थी, तब उन्हें क्रश करने के लिए यहाँ पर सेना का इस्तेमाल किया गया था। और इस तरह के रिवॉल्ट्स को आगे होने से बचाने के लिए सेंट्रल कमांड के अंडर बहुत सारे कैंटोनमेंट टाउन्स बनाए गए थे ताकि सोल्जर्स हमेशा तैयार रहें। यही बात साउथ में भी लागू होती है। पहले अंग्रेजों को वहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे वॉरियर्स का सामना करना पड़ा था और फिर बाद में मराठा एम्पायर का, इसलिए वहाँ पर कैंटोनमेंट्स की संख्या ज्यादा थी। जी हाँ, अगर इसी पैटर्न को आप ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से ट्रेस करेंगे तो अंग्रेजों को अफगानिस्तान की तरफ से भी खतरा था और अंग्रेजों ने सिख एम्पायर से भी लोहा ले लिया था। इसकी वजह से भी उन्होंने आज के पाकिस्तान की तरफ बहुत सारी मिलिट्री कैंटोनमेंट्स बनाई थी। यानी एक बार फिर से ये बात प्रूव हो जाती है कि आज की कैंटोनमेंट्स आर्मी की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है, क्योंकि अब उन्हें अपने सिविलियंस को नहीं मारना है बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है। इसलिए जो मिलिट्री स्टेशंस बनाने का फैसला सरकार ने लिया है वो बहुत अच्छा है और एक जरूरी रिफॉर्म के रूप में बहुत समय से अटका हुआ है। मिलिट्री स्टेशंस का जब पब्लिक एक्सेस कट जाएगा तो जो सिक्योरिटी लैप्स आ सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ साथ मिलिट्री के पास ज्यादा प्राइवेसी रहेगी और उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करना भी फिर आसान नहीं होगा। मिलिट्री को कई ऑपरेशंस के लिए टेम्परेरीली अगर किसी स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो अब उसके लिए मिलिट्री को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा और ना ही वो किसी भी तरह के फ्रिक्शन को फेस करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स को एबोलिश करना भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे ना सिर्फ आर्मी को अपनी जिम्मेदारियों से राहत मिली है बल्कि अब सिविलियन लैंड का कंट्रोल भी सिविलियंस के पास आ गया है, जिस वजह से मिलिट्री एरियाज में जो सिविलियन पॉलिटिक्स अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी उस पर भी लगाम लगेगी। आखिर ये चीज जो चेंज दर्शाता है तो वो सिंबॉलिकल है। जी हाँ, पाकिस्तान जैसे देश के पॉलिटिशियंस कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत में आर्मी और सरकार साथ में मिलकर काम करते हैं और सरकार क्योंकि सिविलियंस को रिप्रेजेंट करती है इसलिए वही आखिरी फैसला लेती है। इसके साथ साथ जहाँ बाकी देशों में आर्मी एक बड़ी लैंड को कंट्रोल करती है और उसमें सिविलियंस को आने से रोक देती है, उसके उलट यहाँ सिविलियंस ने आर्मी को उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए जमीन दी है, जो दर्शाता है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय नागरिकों के बीच का रिश्ता बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और ट्रस्ट से भरा हुआ है। वैसे आपको इस फैसले के बारे में क्या लगता है दोस्तों, और इससे आपके आसपास के कैंटोनमेंट एरियाज पर क्या फर्क पड़ा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।